पैटोंग बीच काफी अच्छा लग रहा है रात में भी, मतलब अभी रात का समय है। गया 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 गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थाईलैंड सीरीज। इस वक्त मैं हूँ फुकेत में। जैसे आप सभी को पता है, अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो मैंने बैंकॉक से फ्लाइट पकड़ के कल रात को आ गया था फुकेत, फिर इस हॉस्टल में चेक इन करा। तो आपको पता है ये हॉस्टल में बेसिकली ये जो कमरा है मेरा, इसमें 8 बेड का डॉम है, लेकिन कोई भी बेड भरा हुआ नहीं है, मतलब सिर्फ मैं अकेला हूँ पूरे रूम में। और कल रात मैंने ऐसे ही बिताई। आज शायद तक हो सकता है टूरिस्ट आ जाए, जैसे कि हॉस्टल स्टाफ कह भी रहे थे कि आज की बुकिंग है 6 लोगों की इस रूम की। एनीवेज मैं ये कह रहा था कि काफ़ी सारे दूसरे भी रूम्स हैं हॉस्टल में जहाँ पे टूरिस्ट हो सकते हैं। आई डोंट नो, मैं अब तक निकला नहीं, बाहर एक्सप्लोर नहीं किया। अब हो गए सुबह के 11। अगर आपको याद रहेगा कि इस हॉस्टल में रूफ टॉप में ऊपर छोटा सा स्विमिंग पूल वगैरह भी है, जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस भी करा था चेक इन के टाइम, राइट। तो एक बार मैं क्या सोच रहा हूँ, तैयार होने से पहले ऊपर हो आते, थोड़ा चेकआउट कर लेते ऊपर का माहौल, और फिर उसके बाद तैयार होते, उसके बाद निकलते फुकेट टूर के लिए, ठीक है। बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट सोचा था उससे तो अच्छा ही लग रहा है। 450 बाट पर नाइट के हिसाब से नॉट बैड, 1000 रुपया दिन का भाड़ा इसका, हॉस्टल का। हॉस्टल के हिसाब से महंगा है, लेकिन आप देख सकते हो कि ऐसी सब सुविधा भी है, व्यूज भी अच्छे। और वो रहा बीच, अगर आपको दिख रहा होगा पैटोंग बीच, तो कहने का मतलब है काफ़ी कुछ सही जगह पे है, और सही लोकेशन हो तो प्राइस भी सही होना लाजमी है। बगल के होटल पे भी ऊपर रूफटॉप स्विमिंग पूल है जहाँ पे गेस्ट लोग चिल कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे तो मैं अकेला ही चिल करने आया हूँ। सोचा हूँ शाम के टाइम ही आऊँ यहाँ पे, यू नो, डुबकी उबकी लगाऊंगा, क्योंकि पानी भी अच्छा दिख रहा है। पानी अच्छा दिख रहा है तो दिक्कत नहीं होती स्विमिंग विमिंग करने के लिए या फिर डुबकी लगाने के लिए। अभी चला जाता हूँ, तैयार हो जाता हूँ नॉर्मली, फिर निकलते हैं फुकेट का टूर करने। अभी आया हूँ लंच करने गांधी रेस्टोरेंट में, जो कि इंडियन रेस्टोरेंट है। मैंने मंगाई है दाल खिचड़ी और ये मैंगो मिल्कशेक। इसकी रेट है 80 बाट और इसका कुछ रेट है 150 बाट। लंच कर लेता हूँ, फिर हम एक्सप्लोर करने निकलते हैं बीचेस, ठीक है। खिचड़ी बड़ी कमाल की थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्यारी थी मैंगो की मिल्कशेक। बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। एनीवेज ये कहना चाहता हूँ कि बाहर से भी रेडी हो गया हूँ और अंदर से भी रेडी हो गया, बिकॉज पेट अभी भर गया है। तो पेट भरा हुआ रहता है तो जाहिर सी बात है घूमने फिरने में ज्यादा मजा आता है। एनीवेज ये कह रहा हूँ कि स्ट्रीट बहुत प्यारी है, बहुत कमाल की है, आप देख सकते हो, और एकदम साफ सुथरी है। ऐसा अच्छा लगता है, कभी भी साफ सुथरा दिखता हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। और कूल है मौसम, इसका रीजन ये है कि एक घंटे पहले हल्की सी बारिश हुई थी, जिसके वजह से सन अभी है नहीं, धूप है नहीं, और मई का महीना तो लग ही नहीं रहा है। ऐसे लग रहा है नवंबर दिसंबर का महीना है और एकदम ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा लग रहा है। तो वैसे भी सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो हॉस्टल वालों ने कहा कि आप बजाय अलग अलग अट्रैक्शन पे जाओगे, टैक्सी वालों को 150-200 बाट दोगे, तो इससे अच्छा आप ऐसे पैकेज खरीद लो। वेंडर्स काफ़ी जगह हर गली में फुकेत के आपको मिल जाएंगे, कोई ना कोई वेंडर जो आपको पैकेजेस बेचता है, जैसे कि फीफी आइलैंड का हो गया। कल मैं जा रहा हूँ फीफी आइलैंड, ठीक है। तो वो रही कल की बात, आज मैं खुद से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कल मैं फीफी आइलैंड का पैकेज लूंगा और परसों का यहाँ का पैकेज ले लूंगा फुकेत का, जहाँ पे बिग बुद्धा है, यू नो, पैटोंग बीच वगैरह तो खुद से एक्सप्लोर कर सकता हूँ, लेकिन बिग बुद्धा है, टाइगर जू है, अगर मन हो गया टाइगर वाइगर देखने का, शेर वेर, तो हम चले जाएंगे वैसे सब पैकेज खरीद के, है ना। थैंक यू। तो अभी क्या करते हैं ना, अपन अलग अलग यू नो वेंडर्स से बात करते पूछते, और जो बेस्ट रेट देगा, जो चीप रेट देगा ना, जैसे कि फीफी आइलैंड का ही टूर ले लो, तो अच्छा रेट जो देगा तो वहाँ पे मैं भी बुक कर लूँगा और आप लोगों को भी रिकमेंड कर दूंगा कि यही से आप बुक करना फुकेट में जब भी आओ। तो गाइज, मेरे को आपके साथ एक अपडेट शेयर करना था, जिसकी वजह से आपको फ्री स्टेज मिल जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओयो ऐप का नया कैंपेन, नया प्रोग्राम रेफर एंड अर्न। इसमें आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओयो ऐप डाउनलोड करना है, साइनअप करके रेफर एंड अर्न प्रोग्राम का लाभ उठाना है। कैसे, तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो बगल में,
जिससे आपको रेफर एंड अर्न प्रोग्राम में जाके शेयर वाया व्हाट्सएप आपके किसी दो दोस्तों के साथ शेयर करना है वो लिंक, और जैसे ही आपके दोस्त आपके दिए गए लिंक से डाउनलोड करके साइन अप करते हैं ना, दैट्स इट, आपको फ्री स्टे मिल जाएगा। इजंट दैट अमेजिंग? और बीइंग अ ट्रैवलर, किसे फ्री स्टे पसंद नहीं है? मुझे तो पसंद है, तो डिस्क्रिप्शन में इसलिए मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाइए और डाउनलोड कीजिए और लाभ उठाइए ये रेफर एंड अर्न प्रोग्राम का ओयो की तरफ से, जो काफी सिंपल है। पूरा लाभ उठाना लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, अभी डाउनलोड कीजिए। पीपी पीपी लास्ट नो 1250 ओके डू दिस लास्ट ओके ओके टुमारो यस पीपी आइलैंड टुमारो व्हाट टाइमिंग मॉर्निंग 7:30 तो मेरे को सबसे सस्ता 1300 बाट का ये मिल गया है। इनका नाम है फुकेत रॉयल सदर्न सी टूर, ये आप देख सकते हो यही लेन में है, सामने पेटोंग बीच है जहाँ हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, और यहाँ पे काफी सारे मसाज पार्लर है जो छिल्लन चाली कर रहे हैं। हाँ रिव्यू यूट्यूब सो 1300 बाट सबसे सस्ता मिला। यस श्योर, हर जगह तो क्या 1400 बाट से नीचे मिल नहीं रहा था, बट आई नीड वेजिटेरियन फूड, प्लीज राइट वेजिटेरियन फूड। इसमें लंच वगैरह भी इंक्लूडेड रहता है। ये पैकेज सुबह 7:30 बजे मेरे को पिकअप करेगी मेरे हॉस्टल से, नो मैटर आप फुकेट में कहाँ भी रुक रहे हो, ये आपको पिकअप करके देते हैं, लेके जाएंगे वो पोर्ट पे, जैसे ये तो स्पीड बोट जाती है आइलैंड पे, फिफी आइलैंड पे, जिसमें ये पूरा टूर कवर होता है। ट्रांसफर बाय मिनी वैन बोथ वेज, ओके, ब्रेकफास्ट कॉफी टी एंड स्नैक थाई बफे लंच एक्सीडेंट इंश्योरेंस नेशनल पार्क फी, ये नेशनल पार्क फी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बिकॉज 400 बाट का ये फी रहता है नेशनल पार्क का, जो माया बे वगैरह रहता है ना वहाँ पे फीफी में, तो 400 बाट तो अगर आप वहाँ पे रुक रहे हो खुद से जा रहे हो तो भी आपको पे करना है, तो ये 1300 बाट में कोई खोटा नहीं है, बिकॉज आप ऐसे भी जाओगे ना टूर नहीं लोगे तो 500 बाट एक तरफे का है, ठीक है, तो 500 बाट प्लस 500 बाट हो गया 1000 बाट, और ऊपर से फिर 400 बाट वहाँ पे फी भरोगे, 1400 बाट तो ऐसे ही हो गया। लेकिन इसमें ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड है, जैसे कि पैडल बोर्ड, स्विम रिंग, मास्क, स्नोरकेलिंग भी देंगे, आप चाहो तो स्नोरकेलिंग कर सकते हो, लोकल गाइड मिलेगा, तो ये सही चीज है। तो नो मैटर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फिर ग्रुप में कर रहे हो, ये पैकेज लेना बहुत अच्छा पड़ता है। वैसे तो आप फिफी आइलैंड में रुक सकते हो, 2-3 रात रुक सकते हो, 1 रात रुक सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। वापस फिफी आइलैंड से फुकेट नहीं आना चाहते हो, वहां से क्राबी जाना चाहते हो, तो भी वापस स्पीड बोट वगैरह मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आज की तारीख में फिफी आइलैंड में रुक के करोगे क्या? आई मीन वहां पे कुछ नहीं है, रात को 8 बजते ही सब सन्नाटा हो जाता है। हाँ कपल वगैरह है तो अलग बात है, मैं भी अगर कपल होता तो वहाँ पे 1-2 रात रुकने का सोचता, बट सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो वहाँ पे रुकने का कुछ मतलब नहीं है। इससे अच्छा सारी चीजें एक्सप्लोर करके वापस बैक टू फुकेट आना ही ठीक लग रहा है मेरे को, इसलिए मैंने वो डे पैकेज ही लिया है। नो अदर चार्ज, ओके, एवरीथिंग इंक्लूडेड, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलो ले लिया फिफी आइलैंड का टूर का पैकेज, और ये तो होगा कल, तो ये हम रखते हैं साइड में फिलहाल, और फिफी आइलैंड की आपको आगे वीडियोस मिल जाएंगे। पहले आज हम बीच पे जाते हैं जो कि सामने ही है पेटोंग बीच, और अनुभव करते हैं फुकेट के स्पेशल बीच को। पानी इतना तो साफ नहीं लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लक्षद्वीप हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका का भी पानी अच्छा था जब मैं गोल में गया था श्रीलंका में, मिरीसा बीच, उनावटुना बीच, वहाँ पे भी पानी साफ था, लेकिन फुकेट का पानी इतना साफ नहीं है। हाँ मेरे को इतना पता है कि फिफी आइलैंड जाऊंगा तो वहाँ पे पानी साफ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और टर्कुइश कलर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वैसा सीन नहीं है। बाकी पेटोंग बीच का लैंडस्केप बहुत कमाल का है, आप देख सकते हो, एक तो वेदर भी साथ दे रहा है, ऊपर से लैंडस्केप कितना प्यारा है, मतलब इस तरफ पहाड़ी है, उस तरफ पहाड़ी है, और फिर इस तरीके से सही है। यहाँ पे आपको छोटी सी मार्केट भी मिल जाएगी जहां बच्चों के कपड़ों से लेके बड़ों के कपड़े हो गए, सूट पैजामा हो गया, टॉवेल हो गया, पश्मीना शॉल्स वगैरह हो गई, सारी चीजें मिल जाएगी यार।
मैंने नाम पढ़ा 69 स्लैम जो कि फेमस ब्रांड है बाली की, तो वो शॉप जैसे दिखी मैं आ गया क्योंकि इसके कलेक्शंस नेक्स्ट लेवल होते हैं, मतलब एक आर्टिस्टिक के हिसाब से इसके कलेक्शन है, मेरे को बड़े प्यारे लगते हैं, हालांकि एक्सपेंसिव होते हैं नो डाउट, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कितने ब्यूटीफुल से कॉन्सेप्ट में बनाए हुए हैं लोग ने शर्ट हो या टी शर्ट, ये देखो ये शर्ट कितना प्यारा है, कितना ब्यूटीफुल सा शर्ट है, लेकिन इसका रेट की बात करूँ अगर 1990 बाट, मतलब तकरीबन आप मान के चलो 4,200-4,300 रुपए का शर्ट है ये, और कोई डिस्काउंट नहीं लेकिन सही कलेक्शन है, मतलब कलर की बात करो या फिर यू नो इनकी डिज़ाइन हो या फिर क्वालिटी हो, बहुत सुपर है। गिव मी सम डिस्काउंट, गुड डिस्काउंट, आई वॉन्ट टू बाई 3। नो कैनॉट यार, ये देख के एकदम दिल खुश हो गया मेरा, मतलब कितना ब्यूटीफुल सा शर्ट है यार, ये बहुत प्यारा शर्ट है, सही लग रहा है ना, 4,200 का शर्ट ले नहीं पाऊंगा, पहन के देख रहा हूँ, इन्होंने कहा कि मत लो लेकिन आप पहन के तो देखो एक बार, मैंने कहा ऑफ कोर्स यार एक बार पहन के देखने में क्या ही हर्ज है, और ये वो शर्ट है जिसपे मेरा पहली नजर पे दिल आ गया था, थोड़ा भी डिस्काउंट होता मैं ले लेता यार, 4,500 का शर्ट है, अगर 2,500 तक भी मेरे को मिलता ना, मतलब आप मान के चलो 40% डिस्काउंट भी होता ना, सच में मेरा मन हो जाता लेने का। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी ट्राई दिस, इट्स या इट्स वेरी नाइस एक्चुअली, बोथ आर वेरी नाइस, वन लास्ट खापुन खाप, वन लास्ट टाइम, एनी डिस्काउंट, 1+1, नो brand from Bali, yeah I know it's good, it's good brand, 69 slam I know, yeah it's very good brand from Bali, okay next time sure, kapun kha गया। तो ये है रेनबो स्ट्रीट ऑफ फुकेत, कितनी कलरफुल लग रही है आप देख लो, और मेन मजा रात में आने का ही है, मतलब शाम जैसी ढलती है ना उसके बाद ये और रंगीन हो जाता है, कलर्स कितने ब्राइट लग रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी प्यारी प्यारी जो लाइटिंग्स लगती है ना हर जगह से आजू बाजू से, तो उसको और चमका देती है, और दिन में है ना, दिन में और कलर्स दिखेगा, ऐसा नहीं कि दिन में कलरफुल नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है सनलाइट में तो और कलरफुल लगता है, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा रहेगी, मतलब आवन जावन गाड़ियों का व्हीकल्स का ज्यादा रहता है, तो आपको मजा नहीं आएगा, और रात में इतने गाड़ियों का आवन जावन नहीं है, कम ही है, तो आप रोड पे भी ऐसे चल सकते हो और अनुभव कर सकते हो प्रॉपर कलरफुल स्ट्रीट को। इन लोग का साफ सफाई का मानना पड़ेगा, हर चीज बहुत क्लीन रखते हैं, इनफैक्ट जो मार्केट रहते हैं ना वहाँ पे भी ये लोग क्लीन करते जाते हैं, जिसकी वजह से कचरा गंदगी बास ये सब दूर ही रहते हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट और आते हैं, पब्लिक और आती है, और बस फिर देश टूरिज्म के मामले में तरक्की करते जाता है। पैटोंग बीच काफी अच्छा लग रहा है रात में भी, मतलब अभी रात का समय है, तो रात का समय है पैटोंग बीच में, और भीड़ काफी है, मतलब लाइट्स लगी हुई है, म्यूजिक कहीं कहीं पे बज रहा है, उस तरफ तो बहुत बज रहा था लेकिन मैं म्यूजिक से दूर आया, जाहिर सी बात है यूट्यूबिंग अगर करनी है तो म्यूजिक से थोड़ा बच के रहना पड़ता है, वरना कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाता है, तो वही बात है कि पब्लिक सब मौज कर रही है, मस्ती कर रही है दोस्तों के साथ, यारों के साथ, कहने का मतलब है पैटोंग बीच ऐसी जगह है जहाँ पे आपका दिन हो या रात कभी भी टाइम स्पेंड हो सकता है अच्छे से, क्योंकि माहौल यहाँ पे अच्छा ही रहता है। लोगों ने जो अभी माहौल देखा वो था बांग्ला रोड का, जो कि फुकेट का सबसे बेस्ट वॉकिंग स्ट्रीट है, मतलब नाइट लाइफ के लिए यहाँ पे रात को 12 बजे तक फुल धमाल वाली नाइट लाइफ चलती है,
लेकिन आज मेरा मूड नहीं है कोई भी नाइट लाइफ का, कल या परसों करूँगा, फिफी आइलैंड के आने के बाद ही मैं नाइट लाइफ इंजॉय करूँगा, तब आपको नाइट लाइफ की पूरी अच्छे से वीडियो मिलेगी फुकेत की। आज मैंने सिर्फ एक छोटा सा लास्ट में एक टूर दे दिया है कि रात को कैसा होता है वॉकिंग स्ट्रीट बांग्ला रोड फुकेत का, तो आपको ये अंदाज़ा आ गया रहेगा कि ये भी रंगीन होती है उसी तरह जैसे खाओसान रोड होता है बैंकॉक का। तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा फुकेट नाइट लाइफ का, जहाँ मैं क्लब में जाऊंगा। ओके अरे नहीं चाहिए क्या कह रहा था भूल गया, मैं कह रहा हूँ कि हाँ उसकी सेपरेट वीडियो मिलेगी आप लोगों को नाइट लाइफ की फुकेत की। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मैंने फुकेत का एक यू नो नॉर्मल सा वॉकिंग टूर दिया है, आई होप आपको पसंद आया हो।